नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेन ऑस्टिन की नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों को कवर करने वाली हूँ, यानी कि नोवेल की एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, ऑथर के बारे में बताने वाली हूँ और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उसको भी सारा मैं क्लियर करने वाली हूँ। सो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। ओके। सो नोवेल को एक्सप्लेन करने से पहले या फिर कहें हम नोवेल को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी ऑथर यानी कि जेन ऑस्टिन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोई भी नोवेल को पढ़ने से पहले आपको उसके ऑथर के बारे में जानकारी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको नोवेल से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे जाते ही हैं, साथ ही साथ नोवेल के राइटर या फिर हम कहें नोवेलिस्ट के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलराइट। सो जेन ऑस्टिन जो है वो एक इंग्लिश नोवेलिस्ट है। इनका जो जन्म हुआ था वो 16 दिसंबर 1775 में हुई थी और 18 जुलाई 1817 में इनकी डेथ हो गई थी। अपने लाइफ टाइम के दौरान इनको उतना अटेंशन या फिर हम कहें पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन करनी चालू करी 1869 के बाद से अपने कॉमिक नोवेल के थ्रू। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे, बहुत सारी नोवेल्स लिखी है, बट जो 6 मेजर नोवेल्स जिनकी वजह से इनको प्राइमरली जाना जाता है वो है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क, एम्मा, नॉर्थैंगन एब्बे और पर्सुएशन जो है इनकी पोस्टमसली पब्लिश हुई थी, यानी कि इनकी डेथ के बाद इन दोनों नोवेल को पब्लिश कराया गया था। हालांकि अगर हम इनके राइटिंग स्टाइल और फीचर की बात करें तो इनके वर्क्स में रियलिज्म, आयरनी, ह्यूमर, फेमिनिज्म, कैरेक्टराइजेशन के साथ साथ कॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी होता था। ऑस्टिन अपने वर्क्स में सोशल कमेंट्री करती थी। 18th सेंचुरी की जो ब्रिटेन थी या फिर हम कहें ब्रिटिश सोसाइटी थी, उस पर जेन ऑस्टिन ने अपने राइटिंग के द्वारा सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन और थिंकिंग को क्रिटिसाइज किया। जेन ऑस्टिन की जो वर्क्स की प्लॉट होती थी वो मेनली सोसाइटी में वुमेन्स की कंडीशन को रिप्रेजेंट करती थी या फिर उनके पोजीशन को रिफ्लेक्ट करती थी, और साथ ही साथ उनकी नोवेल्स वुमेन्स की जो लिमिटेड राइट्स होती थी सोसाइटी में उसको भी शो किया करती थी। अब 18th सेंचुरी की जो ब्रिटिश सोसाइटी थी उस टाइम में एक बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक या फिर हम कहें स्टेरियोटाइप थिंकिंग हुआ करती थी कि वुमेन्स की लाइफ में मैरिज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मेनली वुमेन्स की लाइफ में, मतलब उनको सोशली और इकोनॉमिकली स्टेबल होने के लिए एक रिच व्यक्ति से शादी करनी ज़रूरी थी, ऐसा उस टाइम के लोगों का थिंकिंग हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो प्रेजेंट नोवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये भी इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। जेन ऑस्टिन की नोवेल्स की एक और फीचर जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है कि वैसे तो इनकी स्टोरी बहुत ही सिंपल होती है, मतलब इनका जो नोवेल लिखने का जो रेंज था वो बहुत ही लिमिटेड था। ये अपने आसपास की चीज़ों को देखकर, जैसे कि सोसाइटी की में जो चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी उसी चीज़ों को देखकर ये अपने नोवेल लिखती थी। इनके नोवेल में आपको कोई भी सुपर नेचुरल चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी, कोई ट्रेजेडी वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही सिंपल सोवर स्टैंडर्ड टाइप की इनकी स्टोरी हुआ करती थी नोवेल की। लेकिन ये नोवेल को बहुत लंबा चौड़ा लिखती थी, और लंबा चौड़ा नोवेल में हम एज यूजुअल जानते हैं कि कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा कैरेक्टर्स होने की वजह से इनकी स्टोरी जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। ओके। सो जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, ऑस्टिन अपने वर्क्स में ह्यूमर और कॉमेडी का इस्तेमाल करती थी, मतलब ना इनकी जो
नॉवेल्स होती थी उसमें थोड़ा सा रोमांटिक एलिमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कॉमेडी भी देखने को मिलेगा, तो इस वजह से इनकी स्टोरीज नॉवेल की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती थी। जैसा कि ये अपनी नॉवेल में ह्यूमर का इस्तेमाल करती थी, तो ऐसे भी बहुत लोग मानते हैं कि इनकी जो राइटिंग मैनर है वो कॉमेडीज ऑफ मैनर की टेक्निक में ये अपनी नॉवेल्स लिखा करती थी। ओके गाइस, आई थिंक वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर नॉवेल इतना बड़ा है तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से टाइम तो लगेगा और फिर शॉर्ट में समझाने में मज़ा भी नहीं आएगा। इसलिए आप लोग बोर ना होके पूरा वीडियो कंप्लीट करिएगा, अच्छे से देखिएगा, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब हम बात करेंगे हमारे मेन मुद्दे यानी कि हमारे नोवेल प्राइड एंड प्रिजुडिस के बारे में। सबसे पहले नोवेल का नाम जो है वो फर्स्ट इम्प्रेशन रखा गया था, लेकिन बाद में ऑस्टिन को फर्स्ट इम्प्रेशन नाम उतना पसंद नहीं आया नोवेल लिखने के बाद, तो फिर उन्होंने फर्स्ट इम्प्रेशन नाम को चेंज करके प्राइड एंड प्रिजुडिस रखा, जो कि बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन इमोशन को रिफ्लेक्ट करता है। प्राइड मीन्स होता है गुरूर, और प्रिजुडिस का मतलब होता है किसी चीज और पर्सन के ऊपर प्री कंसेप्शन या फिर जजमेंट देना। प्राइड एंड प्रिजुडिस जो है वो 3 वॉल्यूम्स में लिखी गई है, जिसमें 61 चैप्टर है। फर्स्ट वॉल्यूम में 23 चैप्टर है और सेकेंड एंड थर्ड वॉल्यूम में 19-19 चैप्टर है, मतलब दोनों वॉल्यूम में सेकेंड और थर्ड में 19 चैप्टर है। अगर हम थीम की बात करें तो इसमें ऑस्टन ने लव, सोशल क्लास, स्टेटस, सोसाइटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्राइड एंड प्रिजुडिस, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन इमोशन को एज अ थीम यूज किया है। ये नोवेल सैट्रिकली सोसाइटी एंड सोशल स्टेटस को तो प्रेजेंट करती है, साथ ही साथ ये वुमेन की जो लिमिटेड राइट्स हैं उसको भी ये प्रेजेंट करती है। इस नोवेल में आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम लोगों को ज्यादा कैरेक्टर जानने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमको सारा चीज शॉर्ट में समझना है और अच्छे से समझना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी मेन प्रोटेगनिस्ट एलिजाबेथ बेनेट के बारे में। बेसिकली ये जो पूरी नोवेल है प्राइड एंड प्रिजुडिस, ये पूरी इसी के ऊपर, इसी कैरेक्टर के ऊपर यानी कि एलिजाबेथ बेनेट के ऊपर ही लिखी गई है, ये इसी के पॉइंट ऑफ व्यू पर लिखी गई है। ये हमारी हीरोइन भी है। इनका जो कैरेक्टर है एलिजाबेथ बेनेट का, वो ऐसे ये दिखने में ठीक ठाक ही है, और साथ ही साथ इसमें जो है वो एक बहुत अच्छी समझ है लोगों को परखने में, लोगों को पहचानने में। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इस नोवेल के दौरान ये लोगों को पहचानने में थोड़ी सी क्या कर जाती है, चूक जाती है, स्पेशली डर्सी को जानने में ये चूक जाती है। डर्सी कौन है? तो डर्सी जो है वो हमारा दूसरा मेन प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि इस नोवेल का हीरो है। अब अगर हम इस डर्सी कैरेक्टर की बात करें तो ये जो डर्सी है ये बहुत पैसे वाला आदमी है, मतलब बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है ये, तो उसी बात का इसको जो है वो बहुत ही घमंड है। वो दूसरों को हमेशा अपने से नीचे समझता है। तो इस पूरे नोवेल में प्राइड जो कैरेक्टर है वो डर्सी के थ्रू प्ले किया गया है, और प्रिजुडिस जो कैरेक्टर है वो एलिजाबेथ बेनेट के थ्रू प्रेजेंट किया गया है, और ये पूरी स्टोरी इन्हीं दो कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करती है। दूसरे अगर कैरेक्टर्स की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेनेट फैमिली में मिस्टर एंड मिसेस बेनेट के बारे में, जिनकी 5 बेटियां हैं। 5 बेटियों में सबसे बड़ी है जैन बेनेट, जो कि बहुत सुंदर है। इसके बाद है एलिजाबेथ बेनेट, जो कि हमारी प्रोटेगनिस्ट है, हीरोइन है नॉवल की। उसके बाद है मैरी बेनेट, और उसके बाद है किटी यानी कि कैथरीन बेनेट। इन दो बहनों के बारे में नोवेल में उतना ज्यादा मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, 5वीं बेटी मतलब सबसे छोटी बेटी लीडिया बेनेट, इसको आप सभी को याद रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि आगे स्टोरी में इसके बारे में बात की गई है।
अब ये जो लीडिया बेनेट है वो पांच बेनेट सिस्टर में सबसे छोटी है, और ये ना थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा ही बिगड़ी हुई है। अपनी माँ के लाड प्यार ने इसको क्या कर दिया है, पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। अब यहाँ पे एक और बात जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं, मेरे ख्याल से तो बहुत फालतू है चीज, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है, नोट करने वाली है, वो ये कि ये जो मिसेस बनेट है, मतलब इन पांच बनेट सिस्टर की जो माँ है मिसेस बनेट, इसकी एक थिंकिंग है जो कि स्टेरियोटाइप भी कह सकते हैं, रूढ़िवादी थिंकिंग भी कह सकते हैं, लेकिन उस टाइम के समाज के सोसाइटी के अनुसार एकदम करेक्ट थी, कि इसका एक सपना था कि इसकी जो पांच बेटियां हैं इसकी इन सभी की शादी पैसे वाले घर में हो जाए तो फिर बस लाइफ सेट है। ऐसा ये हर टाइम सपना देखती थी, सब हर टाइम ये यही चीज सोचती रहती थी कि अगर कैसा होगा कि अगर मेरी पांचों बेटियों की शादी बड़े खानदान में बहुत ही पैसे वाले घर में हो जाए, और इसी सपने को पूरा करने के ऊपर वो हमेशा लगे रहती थी। इसके ऑपोजिट मिस्टर बनेट जो थे वो काफी समझदार और पढ़े लिखे इंसान थे। सो नोवल की स्टार्टिंग होती है बेनेट फैमिली से, जो कि लॉन्गबोर्न नाम के एक विलेज में रहते हैं। बेनेट फैमिली मेंबर्स के बारे में तो आपको पता चल ही गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो कुछ टाइम बाद लॉन्गबोर्न गांव के पास एक नीदरफील्ड नाम की एक जगह थी, जहां चार्ल्स बिंगले नाम का एक आदमी अपने दो सिस्टर के साथ रहने के लिए वहां आता है। अब इस बारे में जब मिसेस बनेट को पता चलता है कि ऐसे एक फैमिली, बिंगले फैमिली उनके गांव के पास रहने आई है, तो वो बड़ी खुश हो जाती है। क्यों क्यों खुश हो जाती है वो? क्योंकि ये जो बिंगले है वो बहुत ही पैसे वाला आदमी था, तो और मिसेस बनेट का तो ये सपना ही था कि उनकी पांचों बेटियों की जो शादी है वो पैसे वाले घर में हो जाए। तो जब उनको पता चलता है कि ऐसे एक बहुत ही मालदार पार्टी आई हुई है उनके गांव के पास, तो फिर वो यही सोचती है कि कैसा, कितना अच्छा होगा कि अगर मेरी किसी एक बेटी की शादी उसके साथ हो जाए। मतलब उसको और कोई काम धंधा तो है नहीं, वो सारा दिन यही सोचते फिरती है। अब ये जो चार्ल्स बिंगले की फैमिली में जो दोस्त की दो बहनें थी, उसमें से एक की जो है वो शादी हो चुकी थी और एक जो है वो कुंवारी थी, इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ कुछ टाइम बाद बिंगले के घर में उसका दोस्त यानी कि फिट्स विलियम डर्सी, हमारा सेकंड मेन प्रोटैगनिस्ट या फिर कहे हम हीरो, रहने के लिए आता है। वो बिंगले का बहुत अच्छा दोस्त भी है। अब फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्कीप होता है, और इसके बाद इनके गांव में एक बॉल या फिर हम कहे पार्टी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें गांव के सभी लोग आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बेनेट और बिंगले फैमिली भी आएगी ही, और बिंगले के साथ साथ उसका उसका दोस्त यानी कि फिट विलियम डर्सी भी उस पार्टी में ज्वाइन करता है। अब इस पार्टी में जो है चार्ल्स बिंगले, वो बेनेट सिस्टर में जो सबसे बड़ी बहन थी यानी कि जेन बेनेट, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है, और फिर उसके साथ वो उस पार्टी में डांस वांस भी करता है। तो ये सब देखकर तो मिसेस बनेट सातवें आसमान पर पहुंच जाती है, क्योंकि चलिए थोड़ा बहुत ही सही सपना सच तो हो रहा था उसका। अब इस पार्टी में डर्सी जो है वो आराम से अपना बैठ के चिल मार रहा था। उस टाइम पे बिंगले यानी कि उसका दोस्त जो है वो जाकर उसको बोलता है कि यार तुम पार्टी में आए हो, यहाँ पे बैठे बैठे क्या टाइम पास कर रहे हो, तुम डांस वांस क्यों नहीं करते। तो डर्सी उसको मना करता है कि नहीं मुझे डांस वांस नहीं करना है। तो फिर बिंगले उसको बोलता है अच्छा तुम एक काम करो, जेन की जो सिस्टर है एलिजाबेथ वो दिखने में ठीक ठाक ही है, सुंदर है, तुम उसके साथ जाके डांस करो। तो इस बात के ऊपर डर्सी रिमार्क देता है कि एलिजाबेथ जो है वो इतनी भी सुंदर नहीं है कि उसको डांस करने के लिए उसके साथ वो टेम्प्ट कर सके। तो पहले ही बताया कि बड़ा घमंडी आदमी था, अपने रुतबे पर उसको बड़ा गुरूर था। तो फिर ये बात जो है वो एलिजाबेथ सुन लेती है कि ऐसा ऐसा डर्सी ने कहा है। तो इसके बाद एलिजाबेथ जो है उसके मन में डर्सी को लेकर एक होता है ना प्रिजुडिस, वो हो जाता है कि यार ये आदमी कैसा है, कितना घमंडी है, इस टाइप।
अब हीरो हीरोइन के बीच में तो मतभेद चालू हो जाता है, लेकिन जो जैन और बिंगले है, मतलब जो हमारे एक तरह से साइड हीरो हीरोइन है, उनके बीच की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी। और साथ ही साथ बिंगले की जो सिस्टर्स है, उन दोनों को भी जैन बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, और उन दोनों को वो इतनी पसंद आ गई थी कि वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। अब जब बिनेट फैमिली में ये खबर जाती है कि ऐसे ऐसे उनकी बड़ी बेटी को डिनर के लिए इनवाइट किया गया है, तो वो पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मतलब बात आगे तो बढ़ रही है ना। तो जेन जो है वो डिनर के लिए जाती तो है, लेकिन साथ ही साथ वो लेके जाती है एलिजाबेथ को। अब रास्ते में होता यह है कि बहुत ज्यादा बारिश पड़ने की वजह से जेन बीमार हो जाती है, जिससे उन्हें नेदरफील्ड पार्क में और ज्यादा रुकना पड़ जाता है, कुछ दिनों के लिए और रुकना पड़ जाता है। उस टाइम पे एलिजाबेथ और डर्सी जो है वो एक दूसरे के और भी ज्यादा दुश्मन बन जाते हैं, मतलब एक दूसरे को और भी ज्यादा नापसंद करने लग जाते हैं, खास करके एलिजाबेथ। उसको तो ये आदमी एकदम बकवास लगता है। लेकिन कुछ टाइम बाद डर्सी जो है वो एलिजाबेथ की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ वो तो उसी में अटकी पड़ी है कि ये आदमी एकदम फालतू है। अब यहाँ एक कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है कि बिंगले की जो अनमैरिड सिस्टर है, जो छोटी सिस्टर है, वो एलिजाबेथ को पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो डर्सी को पसंद करती थी, और डर्सी जो है वो थोड़ा बहुत ही सही एलिजाबेथ की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। अब इसके बाद कुछ टाइम बीतता है, जेन और एलिजाबेथ जो है वो अपने घर रिटर्न आ जाते हैं। अब यहाँ पे कहानी में एक एंट्री होती है नए कैरेक्टर की, मिस्टर कॉलिंस नाम के बंदे की, जो कि एलिजाबेथ से शादी करने के इरादे से वहां उन लोगों के घर में आया हुआ था। लेकिन एलिजाबेथ उसको साफ साफ मना कर देती है कि भैया मुझे आप एकदम पसंद नहीं हो, मैं आपके साथ शादी नहीं करूंगी। एलिजाबेथ को मनाने के लिए कॉलिंस कहता है कि लेडी कैथरीन, जिसके पास वो रहता है, उसने कॉलिंस को किसी जगह का डीन बना दिया है, तो अगर एलिजाबेथ उसके साथ शादी कर ले तो वो बहुत खुश रहेगी। यहाँ एक दूसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसको हम एक तरह से कहानी का विलन कह सकते हैं, जिसका नाम है जॉर्ज विकहम, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर है। कहानी की शुरुआत में तो ये काफी सही बंदा लगता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे उसका असली चेहरा सामने आता है। अब ये जो विकहम है वो डर्सी को पसंद नहीं करता था। क्यों पसंद नहीं करता था वो डर्सी को? क्योंकि डर्सी के साथ इसकी एक पुरानी कहानी है, मतलब डर्सी ने विकहम को उसकी नौकरी से निकलवा दिया था। अब उसको उसने उसकी नौकरी से क्यों निकलवाया ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन विकहम जो है वो एलिजाबेथ को और भी ज्यादा डर्सी के खिलाफ मैनिपुलेट करने लगता है, मतलब उसको भड़काने लगता है। एक तो पहले से ही भड़की हुई है वो, तो विकहम जो है वो आग में घी डालने का काम करता है। अब यहाँ पे ये जो कॉलिंस नाम का बंदा था ना, जो एलिजाबेथ के साथ शादी करने के इरादे से उसके घर आया हुआ था, तो कुछ टाइम बाद होता है कि वो एलिजाबेथ की फ्रेंड के साथ शादी कर लेता है। मतलब कुछ भी करके उसे किसी ना किसी के साथ शादी करनी थी। अब यहाँ पे कहानी में जो जेन है, यानी कि एलिजाबेथ की बड़ी सिस्टर है, उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जिससे कि मानो उसकी पूरी दुनिया ही उलट जाती है। उसको बिंगले की छोटी सिस्टर से एक लेटर मिलता है कि जिसमें लिखा होता है कि हम लोग वापस लंदन जा रहे हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उस लेटर में यह भी लिखा होता है कि बिंगले जो है वो डर्सी की बहन जॉर्जियाना डर्सी से शादी करेगा, तो वो वापस कभी बिंगले को कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। अब इससे जेन जो है वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो और बिंगले जो थे वो बहुत ही ज्यादा सीरियस थे अपने रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हो गया। अब इन सब के बीच में जो एलिजाबेथ थी वो फिर से क्या हो जाती है, डर्सी के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, एक तरफ से उससे नफरत करने लगती है। वो ये सोचती है कि ये सारा जो किया धड़ा है वो डर्सी का ही है।
लेकिन भैया हमारा जो डर्सी है वो तो पूरा अट्रैक्ट होने लगा है एलिजाबेथ की तरफ। अब कुछ टाइम बाद लेडी कैथरीन जो थी एक कैरेक्टर इस कहानी में, वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जिसमें डर्सी जो है वो एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, लेकिन वो उसको रिजेक्ट कर देती है। मतलब हमारी जो हीरोइन है वो इस पूरे कहानी में सिर्फ लड़कों को रिजेक्ट करती ही रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो डर्सी को साफ साफ रिजेक्ट कर देती है। अब रिजेक्शन के बाद डर्सी जो है वो थोड़ा सा मायूस तो होता है, तो वो डिसाइड करता है कि वो लंदन चला जाएगा, लेकिन उससे पहले वो एलिजाबेथ को एक लेटर दे जाता है। तो उस लेटर में वो बहुत सारी चीजें कहता है एलिजाबेथ को कि उसने बिंकले और जेन का रिश्ता नहीं तुड़वाया था, उसे पता भी नहीं था कि उन दोनों के बीच आखिर हुआ क्या। और वो बताता है कि ये जो विकम नाम का बंदा है इस पर उतना वो विश्वास ना करे, क्योंकि हाँ उसने उसकी नौकरी हड़प ली थी, लेकिन उसने उसकी जो 15 साल की बहन थी उसको भगाया था। मतलब विकम ने डर्सी की बहन को 15 साल की उम्र में भगाने की कोशिश की थी, इसी वजह से उसने उसकी नौकरी हड़प ली थी। तो लेटर को पढ़कर एलिजाबेथ को थोड़ा थोड़ा सा माइंड चेंज होता है कि यार सही लगता है कि ये इतना भी बुरा बंदा नहीं है। कहानी की जो टाइम पीरियड है वो थोड़ी सी आगे बढ़ती है और दो नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, मिस्टर एंड मिसेस गार्डन जो है अंकल आंटी एलिजाबेथ के। वो उसे पेम्बरले हाउस नाम की एक जगह ले जाते हैं घुमाने के लिए, जहाँ डर्सी भी आया हुआ होता है। तो जब डर्सी को पता चलता है कि एलिजाबेथ वहां पे आई हुई है तो वो उन सबके आदर सत्कार में लग जाता है। अब इस टाइम के दौरान एलिजाबेथ और डर्सी जो है वो बहुत करीब आने लगते हैं। एलिजाबेथ के दिमाग में जो प्रिजुडिस थी डर्सी के बारे में वो थोड़ी ही सही कम होने लगी थी। अब यहाँ कुछ टाइम बाद होता ऐसा है कि बेनेट सिस्टर की सबसे छोटी बहन लीडिया, जिसे मैंने कहा था कि आप लोगों को याद रखना है, वो क्या करती है, स्टोरी के विलेन यानी कि विकम के साथ वो भाग जाती है। तो ये खबर जब एलिजाबेथ को पता चलती है तो वो पेम्बरले हाउस से सीधा वापस अपने घर वापस आ जाती है, क्योंकि उसकी मम्मी पापा की जो थी हालत वो बहुत खराब हो रखी थी, तो वो उन दोनों को संभालने के लिए फिर वापस आती है। अब यहाँ पे कुछ वक्त बाद एलिजाबेथ की फैमिली को उनके अंकल आंटी यानी कि मिस्टर एंड मिसेस गार्डनिंग के द्वारा ये खबर मिलती है कि लीडिया का जो है वो पता लग गया है कि वो कहाँ है। अब लेकिन यहाँ पे बात ये है कि जो विकम है वो लीडिया के साथ रहना नहीं चाहता, वो उसके साथ तभी रहेगा जब उसको कुछ पैसे मिलेंगे। और साथ ही साथ मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर उसको ये भी बताते हैं कि ये जो अमाउंट है जो जिसकी मांग की है विकम ने, वो उसको किसी के द्वारा पे कर दी गई है। तो अब वो अमाउंट जो है वो किसके द्वारा पे की गई थी, वो पे की गई थी डर्सी के द्वारा। और ये बात एलिजाबेथ को तब पता चलती है जब लीडिया उसके घर वापस आती है, तो ये बात लीडिया सबको बताती है। अब इसके बाद एलिजाबेथ जो है वो पूरी श्योर हो जाती है कि डर्सी जो है वो बहुत ही अच्छा इंसान है। हाँ उसमें माना कि उसमें प्राइड है अपने रुतबे को लेकर, लेकिन ये उतना भी खराब इंसान नहीं है। तो फिर क्या, फिर एंड में होता ये है कि दोनों जो है एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और साथ ही साथ जेन और बिंगले की भी शादी हो जाती है। तो इसी के साथ कहानी की एंडिंग होती है। ओके सो दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड स्टोरी गाइस। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, माना कि बहुत लंबी चौड़ी बन गई है। इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन गिव इट अ बिग बिग थम्स अप एंड ऑल्सो डू कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।